मुंबई के मलाड पूर्व स्थित वार्ड क्रमांक 42 की हद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर की जनता अपने पुनर्वसन को लेकर धरने पर बैठी है। गौरतलब है कि 2 जुलाई 2019 की दुर्घटना में 32 लोगों की दीवार गिरने से मौत हो गई थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी अम्बेडकर नगर की जनता का पुनर्वसन नहीं किया गया, इसलिए झोपट्टी में रहने वाली जनता धरने पर बैठ गई है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता विद्या चौहान ने महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड से खास बातचीत की। आइए जानते हैं विद्या चौहान ने हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड से क्या। हट करके एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले आपने वार्ड क्रमांक 42 में अम्बेडकर नगर में आपने सर्वे किया था जहाँ पर लोग धरने पर बैठे थे। जैसा मुझे जानकारी मिली है कि कल इस विषय को लेकर के आपने जितेंद्र आव्हाड से चर्चा की थी, क्या है पूरा मामला? हम लोग वहाँ पर जो लोग 2 साल पहले वहाँ की रिजर्वायर की पानी की टाकी की दीवार बन टूट गई थी, तब से लेके आज तक हम लोगों ने जो भाजपा के नेता और देश के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनके पास हम लोगों ने बहुत मांग की, लेकिन अभी तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। तो हम लोग कल जितेंद्र आव्हाड जी के यहाँ गए थे। कम से कम जो भी पीएपी के घर है उसमें से ये 100 लोगों को घर दिला दो, और जो 200 एकड़ ज़मीन वन विभाग में नहीं है, जहाँ पर अम्बेडकर नगर जामरुशी नगर से लेके दामूपाड़े तक लोग रहते हैं दामूनगर तक, तो वो सब लोगों का जो 13,500 लोगों का पुनर्वसन संघर्ष नगर में किया, बाकी सब लोगों का पुनर्वसन बाकी है। कई लोगों ने 7,000 पैसा भरे है और कई लोग भर नहीं पाए, तो ऐसे सब लोगों के लिए 200 एकड़ ज़मीन जो है जो एक्स्ट्रा है जो फॉरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसे इसके ऊपर कम से कम आप पुनर्वसन करो। अगर आपके पास पैसा नहीं सरकार के पास, तो लोग यहाँ कारागिरे, लोग अगर खुद को उनको कहेंगे कि तो घर बांध लो, तो वो अपना अच्छा घर बांध सकते हैं जिसमें शौचालय होगा, पीने के पानी होगी, अच्छा स्कूल होगा। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट को स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री के पास जल्दी ही मीटिंग लेके हम लोग ये समस्या का हल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया।